हे फ्रेंड्स, हेलो सबको, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट किया है। आजकल मैं जितनी भी वीडियोस हैं देख रही हूँ हरिद्वार की, मेरा भी मन है कि मैं मन नहीं मेरी इच्छा है, मन और इच्छा दोनों है कि मैं भी एक बार कांवड़ लेके आऊँ ज़रूर एक बार, क्या फिर मैं चौड़े से ही लेके आऊँगी। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं जाके शिव जी के एक बार कांवड़ ज़रूर लेके आऊँ। इतना प्यारा लग रहा है जल पहले का, और अब बुरा हाल कर रखा है लोगों ने। शाम की सफाई कर ली, तो ये मैंने कल कुछ कपड़े, कुछ नहीं, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे कल, बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, कुछ ब्लैंकेट उस पर ही सूख रही हैं अभी। और शाम की जो मैं सफाई कर लेती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने इन पैरेट्स के लिए अपने ये जो मैंने घास फूस लगाई थी, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस घास फूस को जो है निकाल के फेंक दूँ, मैं इसे हटा दूँ, क्योंकि जो है सफाई मुझे ही करनी पड़ रही है। इन लोगों ने अति कर रखी है बिल्कुल गंद मचाने की, अब इन्हें कुछ मिला नहीं तो ये घास फूस को ये तोड़ फोड़ के बाहर फेंकते रहते हैं पिंजरे से। मैंने दाल बॉक्सेस में डाल दी है, ये डबल है, सारी डाल दी है। और जो ये मूँग की दाल है, इससे हमारे घर में कोई खाना पसंद नहीं करता है, ये मैं इमरजेंसी के लिए ले आती हूँ कि कभी कभार खिचड़ी खुचड़ी बनानी पड़ गई तो, इसलिए वैसे खाना तो कोई पसंद नहीं करता है, सबको ये लगता है। आरू को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल जिसे कहते हैं आरू। कल जो है शायद ये भी आ रहे हैं जम्मू से वापस, कपड़े अलग करते करते में हम कुछ बातें कर लेते हैं। ये इन्हीं की सैंडो थी, अपने कपड़े अलग कर ले। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को, इनके जो कपड़े होते हैं ना, मैं इतने सेट करके रखती हूँ ना, बहुत अच्छे से सेट करके रखती हूँ, मगर मेरे और आरू के जो कपड़े होते हैं ना, मैं इकट्ठे रखती हूँ, तो मैं क्या काम करती हूँ हमारे कपड़ों के लिए, ऐसे यूँ करे घुसड़ पुसड़ करके ऐसे घुसा दिए कबड़ के अंदर, बस हो गया। क्योंकि मैं हम क्योंकि आरू के कपड़े जो है दिन में दो बार चेंज हो जाते हैं, कभी उसे नाइट सूट पहनना है, कभी कुछ लूज़ कपड़े में कंफर्टेबल रहता है, तो हमें बार बार ना खींच करके ढूंढने होते हैं, और कुछ एक भी खींचो तो सारे कपड़े बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए मैं आरू और अपने तो ऐसे ही घुछड़ पुछड़ करके कपड़े रखती हूँ। इनके जो है एक एक शर्ट और टी शर्ट तरीके से हैंगर में लगा के रखती हूँ। मैं घुछड़ पुछड़ होने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी हैं कबड़ में ऐसे जाने के लिए। तो मैं तो इनके अभी है नहीं, देखिए हैंगर भी खा लिए हैं क्योंकि जम्मू गए हुए हैं कपड़े लेकर के, तो अगर आप देख पा रहे हैं इस कबर्ड को अच्छे से, तो इनके सारे कपड़े जो अच्छे से रखे एक साइड में इस तरीके से, और अगर मैं दिखाऊं मेरे और आरू के, तो वो कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, बस ऐसे ठूस दिए, मतलब अब इसमें से अगर हमें निकालने होते तो मैं पूरे इकट्ठे ऐसे करके खींच देती हूँ, खींचने के बाद ऐसे कैसे मैं एज इट इज़ इन्हें भर देती हूँ, ईजी है मेरे लिए। तो क्या कर रहे हो, गंदगी कर रहे हो, गंदगी कर रहे हो, गंदगी करने के लिए अब कुछ काम नहीं है तुम्हें, हाँ गंदगी करते रहते हो भूखनंगों की तरह, कुछ मिलता नहीं है तुम्हें, कुछ मिलता नहीं है, कूड़ा करते हो मेरे लिए, सबसे ज़्यादा जैक करता है गंदा लड़का। मौसी रहा होगा इन लोगों ने, देखो कितनी सारी घास अपने पिंजरे से निकाल के फेंकी हुई है। मैं गई थी एक पेट शॉप पर, तो पेट शॉप वाले ने मुझे कहा था कि जो थोड़ा सा इनके ना जो ये घास फूस सी होती है ना फ्रूट में आती है, ये लगा के रखना उन्हें कंफर्टेबल फील होगा, मगर ये दोनों इतने भूखे लगे हैं ये घास को काटने में ही लगे रहते हैं एनी टाइम। अच्छा और तो आज है मंगलवार, हम लोग आए हैं प्रसाद चढ़ाने मंदिर में, ले लूँगी, रुक जाओ वेट करो अंदर, तो चलो पहले चलो एक सेकंड रुक जाओ बेटा, शांति नहीं आपको, यहाँ पे नहीं आ रहे, उठो की जाओ टिक। आप खा सकते हैं, आपको पहले खाने की पड़ी है, अभी घर चल के खाना, खा क्या खा लो आप, मानोगे तुम। मेरे को कहना इनसे अच्छे से, आप जोड़ लीजिए यहाँ पे हाथ, आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए, आप लोगों को भी भगवान सुख शांति दें। अरे मम्मा चाय निकाल रही है।
लगाऊंगी। उधर है भगवान जी, यहाँ नहीं है। चलो आ जाओ। नहीं ये लेती नहीं है किसी से कुछ। तीन पर कम्मा देंगे आपको। फिर से एक और बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। ये प्रसाद जो आरु को बहुत अच्छा लगता है, मुझे इतना सा दिया और बोल रही थी इसमें से मैं चाचू को भी दे देना, और मैंने बोला और लूंगी तो कह रही नहीं दूंगी। देखो प्रसाद देना मुझे दो थोड़ा सा और। ये लो दो, मांगे थे ना दो। अच्छा आप बुकलो आप। तीन बार मांग चुकी हूँ और मैंने तीन बार दे। और अपने पैकेट क्यों छुपाया फिर? छोरी छुपे ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अब दिखूंगा नहीं। तो मैं आपको दिखूंगा नहीं इस ब्लॉग में क्योंकि मैं खाना वाना खा के सो जाऊंगा, मस्ती करूंगा, पर आपको बिल्कुल भी ना की बात ना की बात ही। आप कान खोल के सुन लो सारे फ्रेंड्स कि मैं आपको दो बार बोल दिया गलती से। हो मम्मा तो नहीं है पीछे, कोई तो नहीं है यहाँ, कोई तो नहीं है वहाँ, यहाँ वहाँ यहाँ, चलो कोई नहीं है। तो हमारे 1 मिलियन फॉलोवर कर दीजिए आप सारे मिलके, क्योंकि आप सब पे मेरे को विश्वास है, पक्का 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 विश्वास है, और मैं आपसे विश्वास कभी भी नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि आप तो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। इस ब्लॉग में मेरे को अपने नाम कमेंट कीजिए कि आपके नाम क्या है, मीना है क्या है। अगर ये ब्लॉग मेरी मैम ने देख लिया, मीना मैम ने, तो मैं पक्का गया। तो मेरे को आपसे बात बंद करने का मन नहीं कर रहा कैमरा, क्योंकि जब किसी को बोलते हैं ना या इंग्लिश में या हिंदी में तो मज़ा आता है। कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करता, पर फिर भी मैं कैमरा बंद कर रही हूँ। कल पूरे दिन मैं आपको नहीं दिखूंगी फ्रेंड्स, ओके। जब तक के लिए बाय। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, सबसे शेयर करिए, मेरा डायलॉग है। जब तक ले बाय, मम्मा भी आपको करेंगी, मम्मा भी आपको करेंगी बाय। अरे आंटी क्यों नहीं हो रहा ये क्या? चाय कम करो, चाय कम कर। आरू को देखो, आरू हट जाओ ना टूट जाएगा इसमें, मान नहीं रहे हो, बताओ हम फिर मैं कम हो गई वो दोबारा भर के ऐसी ज्यादा हो जाएगी। तो हम जो है खा रहे हैं चाय फैन इस टाइम पे। मैंने कहा था ना मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी फ्रेंड, मत दिखाओ, हम तो खाते हैं। मेरे को क्यों ले रही हो ब्लॉग में? तो अभी जो है मैं ऐसे छोटे छोटे से 2 आलू काट करके इनकी सब्जी बना रही हूँ। अभी ज़्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और एक गुड न्यूज़ ये है कि ये आ रहे हैं 3 बजे तक घर पे आ जाएंगे। गोलगप्पे खा रहे हैं, देखो हमारे घर में सलमान खान सल्लू भाई हमारे घर में सल्लू भाई घूम रहा है। सल्लू भाई ने जो है हमें गोलगप्पे ला के दिया, अब हम खा लेते हैं जल्दी से। अपने बालों में स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग करवाई थी, और मैं आलू थोड़े अजीब से बाल लग रहे थे इसलिए मैं सलमान खान बोल रही थी। और मैं आलू को गोलगप्पे में डाल के पास कर रहा हूं। और अब हम जो है अपना फर्स्ट वाला गोलगप्पा पानी में ऐसे करेंगे।
डिप करेंगे, मुंह में पानी आ गया और ऐसे 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 गोलगप्पा लीक है। प्लम्बर को बुलाओ, लीक है गोलगप्पा, प्लम्बर को बुलाओ, लीक है, लीक है। जो भी हो, खैर ये गया। फ्रेंड्स आप भी खाइए, खाइए खाइए। वो अब जो है सोने की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो सोने नहीं वाली हूँ, उनका वेट करूँगी। आरू को मैं सुलाऊँगी क्योंकि टाइम जो है 11 बज चुके हैं। आरू वैसे बोल रही थी मैं भी नहीं सोऊँगी जब तक डैडी नहीं आएंगे, मगर ये 3 बजे तक आएंगे तो इतना जगाना उसको ठीक नहीं है। अच्छा, आजकल मैं जब भी यूट्यूब या फिर कुछ भी फ़ोन में कोई ऐप चला रही हूँ, जैसे कि मौज वगैरह, कई एप्लीकेशंस ऐसी हो गई हैं, तो हर जगह एक ही चीज़ आजकल छाई हुई है, 50 साल की बुढ़िया ने करी 18 साल की लड़की से शादी, बहू ने करी ससुर से शादी, और एक बुढ़े, एक पता नहीं 60-70 साल के बुढ़े से करी एक 22 साल की लड़की ने शादी। ये कोई ट्रेंड वगैरह चला हुआ है क्या? मतलब इसने उससे करी, उसने उससे करी, बुढ़े ने करी, ससुर ने बहू से करी, इससे करी, समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने करी 18 साल के लड़के से शादी, जिससे वो बोल रही है कि मैं इसके लिए अपनी इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाऊँगी कि इसे उम्र भर बैठ के खाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ये। आपको शक्ल दिखा देता हूँ, मम्मा की आपकी शक्ल दिखा दूंगा। बच चुके हैं और ये आ चुके हैं। पता है मैं जगी हुई थी, तुम्हारा वेट कर रही थी मैं कब से, और मेरे को बाइक की आवाज़ आ गई, तुम आ गए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को टाइम दिखा दिया है, करेक्ट 3 बज गए हैं और ये आ चुके हैं। ये रहा इनका बैग, फाइनली आ चुके हैं घर पे, कितने दिन के बाद, 10 दिन के बाद। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, पुराने हैं लाइक करें, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें, और इस व्लॉग को जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल दोबारा से, ओके बाय।